जन सरोकार मंच पर आज हम देश के चर्चित कवि पंकज चौधरी जी की कुछ कविताएं सुनेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है और हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि आज हम आपकी कविताएं सुनेंगे। आपका जन्म सुपौल बिहार में हुआ 15 जुलाई 1976 में, और देश की जानी माने पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं लेख प्रकाशित होते रहते हैं। इसके अलावा आपके दो कविता संग्रह उस देश की कथा और किस किस से लड़ोगे प्रकाशित हुए हैं, और अपने दो पुस्तकें अंबेडकर का न्याय दर्शन, पिछड़ा वर्ग का संपादन भी किया। आपकी कविताओं का अंग्रेजी, मराठी, बंगला, गुजराती, मैथिली और तेलुगु में अनुवाद किया। आपको राष्ट्र भाषा परिषद बिहार की तरफ से युवा साहित्य सम्मान, प्रदेश का कवि कन्हैया स्मृति सम्मान और विद्यापति सम्मान प्राप्त हुआ है। कविता जब बोलती है कार्यक्रम में हम आपको सुनते हैं। स्वागत है सर पुनः आपका जन सरोकार मंच। शुक्रिया शुक्रिया देवेंद्र जी, आपने अपने बहुप्रतिष्ठित चैनल पे कविता पाठ के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया व्यक्त करता हूं। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आपके चैनल पे मैं भी अपनी रचनाओं का पाठ करूं। आप भी लगातार संपर्क में थे ही, बिल्कुल सर, आखिर वो अवसर आया जब हम लोग मतलब मिल रहे हैं और मैं अपनी कविताओं का पाठ करूंगा। बहुत सारे मित्रों ने राजस्थान के, दिल्ली के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मित्रों ने आपकी चर्चा की है, आपके चैनल की चर्चा की है। आप लगातार सक्रिय हैं, ये हिंदी के लिए और खास करके हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं भी आपका अभिनंदन करता हूं, और बगैर किसी भूमिका के मैं बिल्कुल सर, स्वागत। अपनी कविताओं का पाठ करूंगा। पिछले 3-4 महीनों के दरमियान जो कविताएं मैंने लिखी हैं, उन्हीं कविताओं का पाठ करूंगा। सर, एक सवाल यह है, कविताओं के माध्यम से आप जो जनता की बात उठाते हैं, इसके बिल्कुल बारे में बिल्कुल थोड़ी सी बिल्कुल, बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देवेंद्र जी, मतलब हम भी तो जनता हैं, हम भी जनता हैं, तो हम किसके लिए लिखेंगे? जो जनता है और जो मैं हूं, उनका सुख उनका दुख कमोबेश बराबर है। जनता का भी और मेरा कमोबेश बराबर है। हम जनता के बीच से ही उठे हुए कवि हैं या लेखक हैं, और इस देश की जो बहुजन जनता है, जो बहुसंख्यक जनता है, उनके सुख दुख में, उनके जीवन में और मेरे जीवन में कोई खास अंतर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो कुछ महसूस करते हैं, वो जो कुछ अनुभव करते हैं, लगभग वही अनुभव हम भी महसूस करते हैं, वही अनुभव हमको भी प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है कि मेरी जो बात है वो उनकी बात है। और रघुवीर सहाय हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने कहा है कि कविता जो होती है वो कला के लिए नहीं होती है, वो जनता के लिए होती है, कला जीवन के लिए होती है। तो और अभी बहुत खुशी की बात है
बहुत प्रसन्नता की बात है कि हिंदी में जो कविताएं लिखी जा रही हैं या हिंदी का जो लेखन है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, मतलब जो भी रचनात्मक लेखन है, वो जनता का ही, वो जनता को ध्यान में ही रख करके लिखा जा रहा है। मतलब वो जमाना गया जब लोग मतलब व्यक्तिगत सुख दुख की बात करते थे, जिनके सुख दुख से जनता का, जिनके सुख दुख से जनता के सुख दुख का कोई लेना देना नहीं था, उनको पढ़ करके लगता था कि ये किस दुनिया के आदमी है, इनको जो मैं पढ़ रहा हूं, इनको जो हम पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता है इसमें हमारा भी सुख दुख है, हमारा भी गम है, हमारी भी दुनिया है, हमारा भी स्वर है। लेकिन अब भी वैसे लोग हैं, अब भी वैसे लोग हैं जो स्वांता सुखाए लिखते हैं, समझे ना। लेकिन नहीं, हम लोग जनता है तो हम लोग किसके लिए लिखेंगे? जनता के। तो मतलब हम अपने थ्रू इस देश के जो करोड़ों लोग हैं जिनको अभी भी मतलब जीवन की जो बुनियादी जरूरत है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उनको सम्मान हासिल नहीं है, चाहे वो सामाजिक सम्मान हो, चाहे वो राजनीतिक सम्मान हो, या चाहे आर्थिक सम्मान हो, आज इस देश की करोड़ों जनता जो है उस सम्मान से वंचित है। मैं भी वंचित हूं, मैं आपको बता दूं, मैं भी उससे वंचित हूं। तो जाहिर सी बात है कि कवि जब वंचित होता है तो वो उसका उस तो उस तो उसका जो स्वर है, उसकी जो आवाज है, उसका जो वॉयस है, वो जनता का वॉयस हो जाता है, वो पब्लिक का वॉयस हो जाता है। तो मैं जनता के लिए लिखता हूं, पाठ करूंगा, उसका शीर्षक है रास्ता। इस कविता का शीर्षक है रास्ता। पहली बार उस रास्ते से गुजर रहा था, पहली बार उस रास्ते से गुजर रहा था, 3 किलोमीटर की दूरी 300 किलोमीटर लग रही थी। लग रहा था कि जैसे खाइयों खंडकों में गिरा जा रहा हूं, लग रहा था कि जैसे खाइयों खंडकों में गिरा जा रहा हूं, पहाड़ों की चढ़ाई कर रहा हूं, पहाड़ों की चढ़ाई कर रहा हूं, पहाड़ों की चढ़ाई करते करते वहां से फिसल रहा हूं, पहाड़ों की चढ़ाई करते करते वहां से फिसल रहा हूं, झाड़ झंकार और जंगल, झाड़ झंकार और जंगल रास्ता रोक रहे हैं, धूल भरी आंधियों के बवंडर में, धूल भरी आंधियों के बवंडर में मैं खोता जा रहा हूं। पैर असक्त हो चुके थे, आंखें निस्तेज और कंठ सूख गया था, पैर असक्त हो चुके थे, आंखें निस्तेज और कंठ सूख गया था, दूरियां पाटे नहीं पट रही थी। उसी रास्ते जब लौटना हुआ दोबारा तिवारा फिर जाना हुआ, दूरियां 300 किलोमीटर की नहीं 2-1 किलोमीटर में सिमटने लगी।
दूरियां 300 किलोमीटर की, दूरियां 300 किलोमीटर की दो एक किलोमीटर में सिमटने लगी, रास्ता बनाने की यही कहानी है, रास्ता बनाने की यही कहानी है। पहले वह थकाती है, रुलाती है, फिर हंसाती है। दूसरी कविता है बाहरी, छोटी सी कविता है। जो बाहरी हैं, वे न्याय नहीं करेंगे, जो बाहरी हैं, वे न्याय नहीं करेंगे, न्याय के नाम पर खाली बदकूचर करेंगे। जो बाहरी हैं, वे न्याय नहीं करेंगे, न्याय के नाम पर खाली बदकूचर करेंगे। उनके साथ ही चला आया डर, उनके साथ ही चला आया डर कि अगर उन्हें न्याय करने की शक्ति मिली, कि अगर उन्हें न्याय करने की शक्ति मिली तो कहीं उन्हें ही बाहर का रास्ता नहीं देखना पड़े, कि कहीं उन्हें ही बाहर का रास्ता नहीं देखना। अगली कविता है जीवन। थोड़ी सी वर्षा हुई नहीं, थोड़ी सी वर्षा हुई नहीं कि सारे पत्ते हरियर कचोर हो गए, थोड़ी सी वर्षा हुई नहीं कि सारे पत्ते हरियर कचोर हो गए। कितने पीले पड़ गए थे पत्ते, कितने पीले पड़ गए थे पत्ते जैसे पीलिया रोग, कितने पीले पड़ गए थे पत्ते जैसे पीलिया रोग। पृथ्वी पर जब तक रहेंगे पेड़, पृथ्वी पर जब तक रहेंगे पेड़, उनमें पीलेपन के बाद लौटती रहेगी हरियाली, उनमें पीलेपन के बाद लौटती रहेगी हरियाली। अनहोनी। एक साल भी नहीं हुआ पौधे पेड़ बन गए, एक साल भी नहीं हुआ पौधे पेड़ बन गए, फूलों से भर गए, फलों से लद गए। आज कितनी जल्दी एक साल भी नहीं हुआ पौधे पेड़ बन गए, फूलों से भर गए, फलों से लद गए। आज कितनी जल्दी पौधे फलों से लद जाते हैं। अगली कविता है रीति। चलती ट्रेन में चढ़कर सीटों पर कब्जा कर लेती है पैसेंजर्स की आवारा भीड़। चलती ट्रेन में चढ़कर सीटों पर कब्जा कर लेती है पैसेंजर्स की आवारा भीड़। चलती बस में दौड़कर सीटों को हथिया लेता है यात्रियों का धकम पेल हुजूम। चलती बस में दौड़कर सीटों को हथिया लेता है यात्रियों का धकम पेल हुजूम। मेट्रो ट्रेन के फाटक खुलते ही सीटों को छेक लेती है यात्रियों की अधीर भीड़। मेट्रो ट्रेन के फाटक खुलते ही सीटों को छेक लेती है यात्रियों की अधीर भीड़। शक्तिशाली पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य पर कमजोर पड़े रह जाते हैं प्लेटफॉर्म पर। नियम कविता है, मतलब जिसका मैं पाठ कर रहा हूं। बदलो खुद को बदलो नहीं बदलोगे तो प्रकृति तुम्हें बदल देगी। काई उसी पानी में है लगता जो प्रवाहित होना नहीं चाहता, काई उसी पानी में है लगता जो प्रवाहित होना नहीं चाहता। जंग उसी लोहे में है लगता जिसका इस्तेमाल नहीं होता। उसर वही खेत हो जाता
जिसकी जुताई बुआई नहीं होती, फफुंद उन्हीं फल फूलों में है लगते, फफुंद उन्हीं फल फूलों में है लगते, जो रखे ही रह जाते, दुर्गंध वही छाली देने है लगती, दुर्गंध वही छाली देने है लगती, जिसे दुर्गंध वही छाली देने है लगती, जिसे समय पर मथा नहीं जाता, मनुष्य बदलने को जब नहीं हो तैयार, तब प्रकृति ऐसे बदल देती है। इस कविता का शीर्षक है सदगति। प्रेमचंद की कहानी आपने पढ़ी होगी, सदगति की महानतम कहानियों में से एक है। ये कविता है, इसका भी नाम सदगति है। उसने चार कमरों के मकान में झाड़ू लगाया, उसने चार कमरों के मकान में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, 10 लोगों के परिवार का कपड़ा धोया, सबके लिए चाय और नाश्ता तैयार किया, सबके लिए चाय और नाश्ता तैयार किया, सबको खाना खिलाने के बाद उनका जूठन धोया, भूखे प्यासे दो जून की रोटी का आंखों में सपना पाले, भूखे प्यासे दो जून की रोटी का आंखों में सपना पाले, वह सुबह से दोपहर तक नाश्ता रहा, भूखे प्यासे दो जून की रोटी का आंखों में सपना पाले, वह सुबह से दोपहर तक नाश्ता रहा। यह बोल सुनते हुए तनख्वाह देते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा, मरकर करे या जी कर, यह बात अंबानी अडानी कहे समझ में आती है, कोई शांति दूत कहे समझ से परे है। इस कविता का शीर्षक है देवेंद्र जी बराबरी। वो आपने जनता की बात की थी ना, बिल्कुल, तो उसी जनता की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल सर, मतलब अभी तक मैंने जितनी भी कविताएं लिखी है, मतलब देवेंद्र भाई, इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं जिनमें मैं भी आता हूं, उन्हीं की बात मैंने लिखी है। मतलब उन्हीं को मैं आवाज देने की कोशिश कर रहा हूं। इन कविताओं में मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं भी जनता ही हूं, बहुसंख्यक जनता जिसको बोला जाता है, बहुजन जनता, मैं इससे बाहर नहीं हूं, इसमें कहीं ना कहीं मैं भी हूं इन कविताओं में। यह कविता है बराबरी, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आपके साथ बात करते हुए आपके प्लेटफॉर्म पे, जो इतना प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म है आपका, मैं देखता रहता हूं, मैं सुनता रहता हूं उस पे कवियों को, लेखकों को, चिंतकों को, बहुत अच्छी प्रस्तुति होती है आपकी। हमारा भी प्रयास जनता की आवाज को उठाने का ही है। आप सबको एक समान मौका दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। जनता का शीर्षक है बराबरी। मुझे अच्छा लगता है जब द्वीज बहुजन राज को जंगल राज कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब द्वीज बहुजन राज को जंगल राज कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब किसी बहुजन को मोस्ट वांटेड घोषित किया जाता है, मुझे अच्छा लगता है जब किसी बहुजन को
मोस्ट वांटेड घोषित किया जाता है, मुझे अच्छा लगता है जब बहुजन सिस्टम के लिए खतरा माने जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब बहुजन सिस्टम के लिए खतरा माने जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब बहुजन बढ़त को घोर कलयुग से जोड़कर देखा जाता है। मुझे अच्छा लगता है जब बहुजन बढ़त को घोर कलयुग से जोड़कर देखा जाता है। मुझे तब बहुत अच्छा लगता है, मुझे तब बहुत अच्छा लगता है जब किसी बहुजन को ब्रह्मांड के प्रलय का हेतु माना जाता है। मुझे तब बहुत अच्छा लगता है जब किसी बहुजन को ब्रह्मांड के प्रलय का हेतु माना जाता है। मुझे तब बहुत बुरा लगता है, मुझे तब बहुत बुरा लगता है जब द्विज बहुजन पर कृपा करते हैं। मुझे तब बहुत बुरा लगता है जब द्विज बहुजन पर कृपा करते हैं, उन्हें सहानुभूति से देखते हैं, उन पर दया भरी दृष्टि रखते हैं, उन्हें दया का पात्र समझते हैं, उनके मनोबल को तोड़ देते हैं। इस कविता का शीर्षक है विविधता, डाइवर्सिटी। दलित लेखक के मंच पर विराजमान थे, दलित लेखक के मंच पर विराजमान थे स्नेहलता मुंडा, दलित लेखक के मंच पर विराजमान थे स्नेहलता मुंडा, अर्चना जोशी, जावेद आलम अंसारी, पूजा सिंह बिष्ट, प्रियंका खटिक, सुमन मांझी, चौथीराम गोप, प्रियदर्शन श्रीवास्तव, अनिता राम, रमेश मोरवाल, रश्मि पांडे, संतोष कुशवाहा, पंकज जायसवाल और मनोज पटेल। दलितों का मंच ऐसे सजा था, दलितों का मंच ऐसे सजा था, द्विजों का मंच ऐसे क्यों नहीं सजता? मूल सवाल तो यही है। हाँ, मूल सवाल का मंच ऐसे थोड़ी सजता। हाँ, देखिए बिल्कुल, दरअसल दुनिया का जो भी प्रपंच है, दुनिया का जो कारोबार है, वो सारा कारोबार पावर डिस्कोर्स है। सबके मूल में, अच्छा, सबको पैसे चाहिए, सबको न्याय चाहिए, सबको सम्मान चाहिए, है ना? तो ये सारा का सारा पावर डिस्कोर्स है। जो कुछ भी हो रहा है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जितनी भी भाग दौड़ है, जितनी भी आपाधापी है, वो सारा का सारा जो है पावर डिस्कोर्स के लिए, पावर में हिस्सेदारी के लिए है, ये जान लीजिए। यदि ये नहीं हो तो फिर कोई कारोबार ही नहीं हो, है ना? ये अगली कविता है, कर्म ही पूजा है। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, उस अदने से कर्मचारी ने, आपको विश्वास नहीं होगा, उस अदने से कर्मचारी ने दिन रात एक करके कंपनी को खड़ा किया। आपको विश्वास नहीं होगा, उस अदने से कर्मचारी ने दिन रात एक करके कंपनी को खड़ा किया। वह 8 के बदले 12 घंटे काम करता, वह 8 के बदले 12 घंटे काम करता,
छह का काम अकेले निपटाता, छह का काम अकेले निपटाता, काम की गुणवत्ता ऐसी, काम की गुणवत्ता ऐसी कि अन्य तो करते ही उसकी नकल, अन्य तो उसकी करते ही नकल, कंपनी की भी जय जय होती, वह माला माल होती। कंपनी जब भी संकट में फंसती, कंपनी जब भी संकट में फंसती, वही तारणहार संकट मोचक होता। कंपनी जब भी संकट में फंसती, वही तारणहार संकट मोचक होता। वह जितना देता उससे उतनी ही मांग बढ़ जाती, वह जितना देता उससे उतनी ही मांग बढ़ जाती। कंपनी को ओढ़ना बिछौना बना लिया था उसने, कंपनी को ओढ़ना बिछौना बना लिया था उसने, उसको फर्श से अर्श पर ला दिया था उसने, उसको फर्श से अर्श पर ला दिया था उसने, कंपनी मालिक को भी नाम दिया था उसने, कंपनी मालिक को भी नाम दिया था उसने। इनाम में एक दिन कंपनी ने, इनाम में एक दिन कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया उसको। जी पाप, इसका नाम है पाप। बार बार पाप वही करता है, बार बार पाप वही करता है जिसके मन में पाप करके भी कोई ग्लानि पैदा नहीं होती। बार बार पाप वही करता है जिसके मन में पाप करके भी कोई ग्लानि पैदा नहीं होती। यह डीएनए का जितना बड़ा मामला है, यह डीएनए का जितना बड़ा मामला है उतना बड़ा पाप का नहीं। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद देवेंद्र जी, धन्यवाद।